अलग अलग ऐसे हॉल होते हैं, तो वहां मतलब रेगुलर हर थर्सडे को मीटिंग, देखो कितने लोग पीछे बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने भी आधा पौना घंटा बैठ के इनके एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था। काफी कई हॉल है बीच में ना, काफी हॉल थे जहां लोगों का बहुत रश था, बहुत बड़ा जमावड़ा था। तो वहां भी मैंने देखा कि ये भी देखो एक पार्ट और है कि एजुकेशन के ऊपर अटोमी हेडक्वार्टर खुद कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर इब्राहिम ली जी एंड राहुल सर कितना मतलब अब देखो फिजिकली मूव कर रहे हैं इंडिया में, मैं इन दोनों को सल्यूट करता हूँ। तो वही चीज मैं जो वहां देख के आया था साउथ कोरिया में, वही अब इंडिया में रिपीट हो रहे होते देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही। तो उसके बाद एक देखो दूसरा एक हॉल है जहाँ और मीटिंग चल रही है। सो मतलब ये सारी कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज ये मतलब अटोमी हेडक्वार्टर से हो रही थी। तो क्योंकि मेरे को पता था कि अगर कोई भी कंपनी एजुकेशन के ऊपर इतना मतलब ध्यान रखेगी, एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस करेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे मतलब जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी, वो अपने कस्टमर को बताएंगे हाउ टू यूज एंड आगे डेमो करके भी बता सकते हैं। एंड लीडरशिप के लिए तो देखो अभी कितने हमने वो एक यूनिवर्सिटी एक लॉन्च कर दी है टॉमी ने, तो वहाँ हम आप शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है वो कर सकते हैं, आपको एक अच्छा लीडर बना के अटोमी आगे मार्केट में लेके आए। सो वहाँ जो भी कमिटमेंट हुई है, तो ये सारे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल, जहाँ भी किसी कंट्री में कोई अटोमी ने अपना ऑफिस मतलब आगे लॉन्च करना है तो इनकी ड्यूटी है। तो ये मतलब देखो हमारे हैनगिल पार्क का उनको मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब को, कि उन्होंने मेरे को बोला था आपको पता लग जाएगा वेरी शॉर्टली हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखो मात्र 15 दिन बाद एक मैनेजमेंट की टीम को इंडिया में भेजा है, तो वहाँ हमको जो पंजाब की स्वीट्स है हम इनको दे, ये तो बड़ी है तो इसलिए नहीं आ रही। तो मतलब हम इनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, मैं एंड हमारे एजुकेशन सेंटर जसवीर साहबा जी, तो वहाँ इनका हमने वेलकम किया इंडिया में। तो साथ में कुछ इनके 4-5 लोग और आए हुए थे, तो वहां हमने इनको सिर्फ एक डिस्कशन में बताया था कि इंडिया में क्या पावर है, इंडिया में क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फोकस कर रही थी अटोमी, ऑस्ट्रेलिया 2-3 महीने में लॉन्च होना था। तो वहां ये देखो हम काफी मतलब आपस में डिस्कशन हमने किया कि मैं इंडिया की पावर बता रहा था इनको, लेकिन मेरे को ये कह बोल रहे थे आप 1-2 लोगों के लिए हम इतना बड़ा पैसा इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लें। तो मेरे को फखर था हमारे इंडियन लीडर्स के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर। मैंने उनको बोला था भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरे का पूरा इंडिया खड़ा है। तो उसकी बदौलत ये देखो कि अब अटोमी इंडिया में कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है, लेकिन अभी हमने वो लेवल टच नहीं किया है ना। हम अब हमारी ड्यूटी है, अटोमी ने तो बहुत कुछ करके इंडिया में दिखा दिया है, अब हमारी है हम ये सारा कुछ करना है। तो उसके बाद 3-4 मंथ बाद फिर हमारे साहब जो है इंटरनेशनल हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो फिर आए, इनका फोन आया मेरे को कि आप क्या गुड़गांव में एक है होटल वहां आ सकते हो। मैं कहा व्हाई नॉट, जरूर आ। तो वहां उन्होंने एक ऐसे शख्स से ऐसे बहुत बड़े आदमी से मैं तो कहूंगा कि जो मतलब हर हर लिहाज से उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा जोश है, यंगस्टर भी है, उनसे मेरे को पता नहीं था इनके बारे में। तो मेरी जब इनके साथ इंट्रोडक्शन कराई मैं बहुत खुश हो गया कि एक यंगस्टर लीडर हमको इंडिया का इंचार्ज के रूप में अटोमी ने दिया है, उनका नाम है डॉक्टर इब्राहिम ली। तो मैं उसी बहुत खुश हो गया, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर यंग टीम एंड इतने हाईली एजुकेटेड एंड जिन्होंने मार्केटिंग लाइन में डॉक्टरेट की हो, अगर वो उसकी बाग डोर अटोमी की उनके हाथ में है, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का फ्यूचर फिर कैसा होगा। तो इतने मेहनती हैं, सारा कुछ है मतलब इनका, मैंने जो आज तक आप भी सारे देख रहे हो कि एक एक बंदे को कैसे अटेंड करते हैं, है ना। तो एक एक सेमिनार एक एक वेबिनार में अभी देखो साउथ में सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, खुद जा रहे हैं। तो इतना मेहनत कश जो इंसान है ना मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आमतौर पर जो
कंट्री हेड होते हैं वो बैठ के ही काम करते हैं, तो जल्दी से किसी को मिलते नहीं है, जल्दी किसी से फोटोग्राफ भी नहीं करवाते ना। तो हम बहुत लकी हैं कि हमको इतना जंगस्टर। तो उसी दिन से मैंने फिर डिसीजन ले लिया था कि अटोमी इंडिया में बहुत बड़ा काम करेगी। तो वो काफी कुछ चीज जो हमने डिस्कस करनी थी, तो ये देखो कि डॉक्टर इब्राहिम ली कितने खुश हैं, और खास करके मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि यस हो चुकी थी कि अब अटोमी इंडिया में काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सारी स्ट्रगल हम लोगों ने जो की है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो जिन जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने स्ट्रगल किया है, खास करके हमारी जो मैनेजमेंट है, चाहे वो कोरियन मैनेजमेंट है चाहे वो इंडियन मैनेजमेंट है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती दिन रात। और मैं तो देख रहा होता हूँ कि ये हमारे इंडियन मैनेजमेंट के जितने भी स्टाफ हैं वो सोते नहीं है, मैं तो हैरान भी रहता हूँ। कई दफा हमारे राहुल सर रात को 1:30 बजे भी वो वेरिफिकेशन के लिए करते, वेरिफिकेशन डन, तो मैं उनको मैसेज भेजता हूँ, सर सो जाओ, वेरिफिकेशन सुबह हो जाएगी, डोंट वरी। सो मतलब इतना मेहनती स्टाफ क्यों है? क्योंकि हमारे डॉक्टर इब्राहिम ली, अभी मैं 3-4 महीने से उनको नहीं मिल सका क्योंकि वो कोरिया गए थे। अब जब भी कभी मौका मिलेगा एटॉमिक ऑफिस में के लिए जहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम, तो उनको फिर एक दफा जरूर मिलेंगे, उनके फिर फोटो बार बार फोटोग्राफ करने के लिए मन करता रहता है डॉक्टर इब्राहिम ली जी के। तो ये सारा कुछ मतलब जो फाइनल हो गया था, फिर मेरे को अंदाजा हो गया था, इन्होंने कमिटमेंट कर ली थी कि हमारे कंट्री हैं डॉक्टर इब्राहिम ली जी होंगे, एंड ये सारा आज के बाद सारा जो है प्रोग्राम इंडिया में यही देखेंगे। तो बहुत खुश हम आए, एंड उसके फिर कोरियन लोगों का आना जाना इंडिया में लगा रहा, बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे जो कोरियन ग्रुप इंडिया में काम कर रहे हैं, कुछ अमेरिकन ग्रुप हैं, कुछ कनेडियन ग्रुप हैं, वो सारा जब ये सारा कुछ फाइनल हो गया, तब बहुत सारे लीडर इंडिया में अपनी विजिट उन्होंने शुरू कर दी, अपने छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो ये मेरी अपलाइंस में सारे लोग आते हैं, तो ये इंडिया में 2-3 दफा आ गए थे, इनकी सपोर्ट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे हमने काम करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। सो दोस्तों आप ये देखो सारे लोग बार आए आपको, क्योंकि अटोमी में आपकी हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट से लेके नीचे 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 जितने भी आपकी अपलाइन में लोग आते हैं, वो सारे सारे लोग की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। आप कभी भी अटोमी के ऑफिस में भी फोन करके देखो, आपका कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, कभी भी इतनी अच्छी हेल्प मतलब किसी भी कंपनी की प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिले। तो मैंने फिर क्या डिसाइड किया, मैंने इमीडिएटली मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन में मैं काम कर रहा था, तो मैंने उसको इमीडिएटली क्विट कर दिया, क्योंकि अभी 3 साल की जॉब मेरी पड़ी थी। तो मैंने ये सारा, ये देखो कि मेरे को फेयरवेल पार्टी वो दे रहे हैं, साथ में मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, एंड साइड में मेरे फादर मेजर आर्मी में रिटायर हुए, मेजर LS रतन। तो इनको भी मैंने बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा पेरेंट्स को होता है यार इतनी अच्छी पोस्ट है, इतना बड़ा रुतबा है, और आप इमीडिएटली छोड़ रहे हो, ये कैसे है ना। फिर मैंने इनको बताया कि अटोमी का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में मतलब आ रहा है, तो ये जो मेरा आप इधर रुतबा देख रहे हो, इससे कई गुना बड़ा रुतबा जो है अटोमी के जरिए मिला। तो मैं वो मान लिया, एंड फिर मैं जो है क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जब आपके पेरेंट्स को या आपके रिश्तेदारों को या आपके फ्रेंडशिप सर्कल के लोगों को कुछ पता ना हो, है ना, तो उनको फिर अगर आप अच्छे तरीके से मोटिवेट कर दोगे तो आप अपने हर काम सफल हो जाओगे। तो देखो डॉक्टर इब्राहिम ली, देखो जब पहले मिले थे फोटोग्राफ आप देख रहे हो अब का, क्योंकि अटोमी का फ्यूचर इनके हाथों में है, एंड बहुत बड़ा हो। आप जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आप देखोगे कि कितना कुछ अटोमी इंडिया में लेके आ रही है। तो मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि इनकी बदौलत और इनकी जो टीम है इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो टाइम निकल गया, आप पेशेंस जरूर रखें,
बहुत को आप समझ भी नहीं सकते। अभी आपको ऑटोमी के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो खुद अपनी तसल्ली कर चुका हूँ। आज से 2-3 साल पहले ही सारा मेरे को पता है, मैंने अटोमी का पूरा सिस्टम देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिए, केरी का मैंने विजिट करके देख लिया, एंड डॉक्टर हैंगिल पार्क साहब को मैंने मिलकर, मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत कुछ होने वाला है। आपने अब क्या करना है कि इतनी जद्दोजहद हमारे हजारों लीडरों ने की है, हमारी मैनेजमेंट ने की है, तो अब आपने आगे इसका बेनिफिट लेना है। जो पौधा आज से 3-4 साल पहले बो दिया गया था, अब उसके फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसका माली जो मेरे साथ में खड़ा है, उनका माली जो गार्डनर होता है, जो उस पौधे को खाद भी दे रहा है, उस पौधे को आगे बढ़ने में एनवायरमेंट भी दे रहा है। अगर माली अच्छा आपको मिल गया तो उसके फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छे आप खा सकते हो, मीठे होंगे। एंड अब आप पारी है, अब आपकी तरफ हमारा सिस्टम देख रहा है कि आप बड़े से बड़े रैंक क्वालिफाई करें, बड़े से बड़े जो इसमें ग्रुप अपने बिल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस अपना बनाओ, क्योंकि अटोमी के प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं, डायरेक्टली कस्टमर। हमने जब अभी दिल्ली एग्जीबिशन एक लगाया था तो हम देख के बहुत सरप्राइज हो गए, हजारों लोगों ने विजिट किया था हमारा काउंटर ना, और उनको पता ही नहीं है अटोमी के बारे में, पता नहीं है उनको, पता कौन बताएगा अटोमी के प्रोडक्टों के बारे में, कौन बताएगा, हम बताएंगे, है ना, आप सब बताएंगे। तो आप जितना हल्ला करोगे, जितना इसके बारे में ढंढोरा पीटोगे, जितना इसके बारे में किसी भी तरीके से, है ना, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू बताओ, चाहे आप जिस भी तरीके से लोगों को अटोमी के बारे में बता सकते हो तो बताओ, तो उतना ही बिजनेस आपका चमक के आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि धड़ाधड़ लोगों के घर में छोटे छोटे प्रोडक्ट पहले पहुंचा दो ना, 1,000-2,000 के, 1,500 के, 2,000 के, 500 के, जैसे भी टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड ब्यूटी के छोटे छोटे प्रोडक्ट पहले बताओ। कॉफी हमारी कितनी जबरदस्त है, स्पेरोलिना के बारे में बताओ, हेमोहेम के बारे में बताओ। एक जो बहुत बड़ी मैंने हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं उनके दिमाग में मैंने एक देखा है कि सबसे पहले वो फिल्ट्रेशन नहीं करते ना, सबसे पहले वो उस चीज को अपनी तरफ ही रोक के रख लेते हैं। मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उनके दिमाग में सबसे पहले आ जाता है उसके रेट को लेके, है ना, उसकी क्वांटिटी को लेके, तो वो अपने दिमाग से उसको आगे पास होने नहीं होने देते। ठीक है, ये महंगा है जी, ये ऐसा है जी, ये वैसा है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो नीडी पर्सन है, जिस बंदे को वो प्रोडक्ट चाहिए, वो इंतजार कर रहा है बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है। अब हिमोहिम की बात मैं बार बार मैं अपनी टीम को भी बताता रहता हूं कि अगर आप ये वाली बात अपने दिमाग से निकाल के लोगों को बताओ, जो ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत में है, कई सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, उनको बोलो मेडिसिन के साथ साथ ये हमारा सप्लीमेंट है, इसको खाओ, और वो गारंटी है मेरी, कभी भी उसके रेट के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो हजारों लाखों रुपया ऑलरेडी खर्च चुका है, खर्च रहा है, उसको तो रिलीफ मिलना चाहिए, उसको तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप वाकई एक बहुत भलाई का काम करना चाहते हो, एक सोशल काम करना चाहते हो, तो प्लीज अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल के और लोगों को डायरेक्टली बताओ। और मेरी गारंटी है, अगर 100 लोगों को आपने हिमोहिम के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, जहाँ हमारे जितने भी प्रोडक्ट है बताओगे, कभी भी 100 से कम आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। आप बताना शुरू करो, ये अपने दिमाग से निकाल दो, सबसे पहले ये चीज आपने निकालनी है कि ये ऐसा है जी, ये वैसा है, ऐसा नहीं है। आप हमारे इंडियन सिस्टम को जानते हैं, आप हमारे टैक्स स्ट्रक्चर वाले सिस्टम को जानते हैं, आपको पता ही है, इंडियन सिटीजन है, हमको पता है सारी बातों का। तो फिर मतलब हमको मैनेजमेंट के साथ एक कंधे से कंधा मिला के हमको खड़ना चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देखो। हमने मैंने पिछले हफ्ते भी मैं अपनी टीम को बता रहा था, मेरे दोस्त है चंडीगढ़ से ना, जीरकपुर में, चंडीगढ़ के पास जीरकपुर है, वो बेसिकली गंगानगर राजस्थान के हैं, तो मैंने उनको वैसे ही फोन उठाया, मैं कहा आज मैंने 2 हिमोहिम मैंने जरूर सेल करने हैं। तो मैंने एक बंदे को बताया, मिस्टर के गौर जी है हमारे, बहुत ही मेरे रिस्पेक्टेड मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार व्हाई नॉट, कहना मैं तो यार चाहता हूँ कि मेरे को जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए, मैंने अपनी वाइफ के लिए एंड अपने लिए वो प्रोडक्ट आपका मंगाना। इमीडिएटली उस दिन, मतलब रात की बात थी,
तो जब मैंने उनको बोला, इमीडिएटली उसने अपने दोस्त को भी लाइन पर ले लिया, दोनों ने अपने गूगल पे का आईडी मेरे को भेज दिया कि सुबह जैसे ही 8:30 बजते हैं सर, हमको नहीं पता कैसे इसको करना है, तो आईडी मैंने वो उनका लगा दिया था ना 10-15 मिनट पहले। तो उन्होंने गूगल पे जब मेरे को वो आईडी भेज दिया, तो 8:30 बजे मैंने दोनों के ऑर्डर डाल के जब उन्होंने ओके कर दिया, तो अब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि 4-5 रोज पहले उन दोनों के पर घर में हिम हिम पहुंच चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस है एंड वो चाहते हैं कि जिंदगी में मैं और मेरी फैमिली को कभी कोई दिक्कत ना आए, तो वो हिम हिम उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मैं हिचकिचाता रहता कि गौर साहब या अभिषेक जी क्या समझेंगे यार, मैं ये हिम हिम के बारे में इनको बता रहा हूँ, है ना, अगर वो इसकी कॉस्ट सुनेंगे तो मेरे को क्या मतलब समझेंगे, मेरे को क्या बोलेंगे। सर ऐसा नहीं है, जो नीडी पर्सन है, जिसको वो प्रोडक्ट की बहुत सख्त जरूरत है, वो तो इसकी तलाश में है, उसको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी इंडिया में आ चुके हैं। सो आप जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर सभी प्रोडक्ट्स के बताओ। सो दोस्तों, जैसे जैसे फिर आपको पता ही है कि टॉमी का काम जब शुरू हो गया इंडिया में, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने वो अच्छे अच्छे इसमें जो ग्रुप्स भी बनाए हैं, अच्छे अच्छे रैंक भी क्वालिफाई किए हैं, तो मैंने भी इसमें डायमंड रैंक अचीव किया है एंड रेगुलरली मेरी इनकम आ रही है एंड मैं ऑटो सेल्स मास्टर, और हर महीने मेरा जो है वो रेगुलर बिजनेस भी आ रहा है। और खुशी की बात है कि मैं एक जैसे पंजाब स्टेट में रहता हूँ, पंजाब स्टेट में आपको पता ही है कि घर घर में लोग इंटरनेशनल कंट्रियों में, दूसरे कंट्रियों में रहते हैं, तो मेरा इस टाइम 14-15 कंट्रियों में जो बिजनेस है वो चल रहा है, तो वहां पे वहां से भी डेली मेरे को फोन आते रहते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बताया, यार आपके कुछ लोगों ने मेरे को कॉफी सजेस्ट किया है। मैं क्या बताएं, बोला भी मैं आपका थैंक्स करने के लिए फोन किया था, उन्होंने कनाडा से फोन किया था मेरे को। मैं कह भी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप अटोमी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बोले आपके आपके बदौलत ही हमको ये प्रोडक्ट मिला है। मैं कह आप इतने खुश क्यों हो बताओ कॉफी को लेके। वो बोले कि हम अमेरिका टू कैनेडा, कैनेडा टू अमेरिका, 1 हफ्ते में आना जाना हमारा चक्कर लगता है। अमेरिका से लोड उठाते हैं कैनेडा चले जाते हैं, कैनेडा से लोड उठाते हैं अमेरिका चले, ट्रकिंग लाइन में काम कर रहे हैं। तो वो बोला कि हम हर 3-4 घंटे में एक अच्छे कैफेटेरिया में रुकते थे ना, क्योंकि वहां हमारे इंडिया की तरह जगह जगह चाय नहीं मिलती, तो वो क्या करते थे, कॉफी पीते थे। तो उन्होंने क्या बोला भी, $6 की कॉफी का कप हमको मिलता था अच्छे कैफेटेरिया में, एंड उससे हमको गैस प्रॉब्लम एंड बर्निंग सेंसेशन ऐसी फील होती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अटोमी का एक बॉक्स, उन्होंने मिक्स कॉफी वो लेके रखी है, तो गाड़ी में ट्रक में रखा है, एंड एक इलेक्ट्रिक कैटल बोले भी हमने ट्रक में रखी है, जब भी जरूरत पड़ती है फटाफट गर्मा गर्म कप कॉफी का ट्रक में ही बना लेते हैं। और वो बोल रहा है कि हमारे शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है, हमारा एनर्जी लेवल पूरा दिन हम थकते नहीं है, और इसी वजह से हमने आपको फोन किया है कि जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है, हमने उससे रूबरू बात करके खुद हम उनका थैंक्स करेंगे। सो दोस्तों ये देखो, मतलब आप, मैं जैसे आपको बताता रहता हूँ सभी लोगों को कि आपने प्रोडक्ट एक दफा लोगों के घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी लेनी है, उसके बाद चुप हो जाओ, ऑटोमी के प्रोडक्ट ही बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो अब जब जब भी ऑर्डर डालेंगे, उनको पता चलेगा टूथपेस्ट भी है, टूथब्रश भी है, और हेल्थ सप्लीमेंट है, तो कितने के कितने प्रोडक्ट। आप मेरी अमेरिका की टीम की मैं कभी आपको वीडियो शेयर करूंगा, तो वो लोग बोलते हैं कि हमने घर का 70% प्रोडक्ट हम अटोमी से ले रहे हैं, है ना। तो मतलब इतने खुश हो के वो वीडियो बना के भेज रहे हैं, अटोमी के बर्तन, अटोमी के मैगी जो हमारा, सॉरी जो नूडल्स है हमारी ना, एंड और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ले रहे हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के भेजते रहते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप इस तरीके से हमें ऐसे हैं क्वालिफाई किए हैं, आप भी करो। तो ये मैं अपनी टीम के लिए छोटे छोटे सेमिनार, छोटे छोटे प्रोग्राम करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली हम एक बहुत अच्छे डेस्टिनेशन में, पंजाब एंड हिमाचल के बीच में एक जंगली एरिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम हम अभी हमने किया है, तो वहाँ हमने एक एक नाइट 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा था। हम ना ज्वाइंटली कलेक्शन कर लेते हैं, है ना, जो भी मतलब खर्चा होता है वो शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ फन एंड ट्रेनिंग
दोनों टाइप के प्रोग्राम होते हैं। तो आप ऐसे के अपनी टीम को, ये मेरे देखो अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करो। मैं जहां भी जाता हूँ, चाहे छोटा प्रोग्राम है चाहे बड़ा प्रोग्राम है, मैं अपनी वाइफ को साथ में जरूर लेके जाता हूँ। अटोमी एक फैमिली बिजनेस है, आपके बच्चे एंड आपकी मैडम या आपका हस्बैंड इसमें 100% इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप वो देखो कि मतलब लेडीज प्रोडक्ट यूज दीजिए। देखो हमारे मेरे सेल्स मास्टर हैं एंड गुरप्रीत सिंह जी एंड उनकी वाइफ एंड उनकी डॉटर है ना, जो साथ में खड़ी हैं। तो अगर पूरी फैमिली में जुनून आ जाए है ना अटोमी के प्रोडक्टों को लेकर, अटोमी के बिजनेस को लेकर, तो फिर देखो आपका काम कितनी स्पीड से बढ़ेगा। कहीं भी जाते हो आप अपनी फैमिली को साथ में लेके जरूर जाना। ये हमारे राजीव जी है अमृतसर से, तरन तारण से हमारे सेल्स मास्टर हैं। हम अपने ग्रुप को ऑनर करते रहते हैं, उसको बुलाओ, एंटरटेनमेंट भी होगी। हमारे सेल्स मास्टर हैं फ्रॉम लुधियाना है ना, तो गुरचरण सिंह जी, तो इसी के से हमारे आप, ये तो इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जसवीर सावा जी तो पूरे इंडिया में बड़े मशहूर हो गए हैं, इनका चेहरा एवरी टाइम खुश रहता है एंड सभी लोगों की हेल्प करने के लिए तत्परतर तैयार रहते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से जो हमारे एक और सेल्स मास्टर हैं फ्रॉम लुधियाना। सो आप ऐसे लोग, जितने भी लोग हैं, जो देखो मेरे डायमंड मास्टर मिस्टर हरप्रीत जी है ना, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है छोटी छोटी सेलिब्रेशन भी करते रहो। अब टाइम आ गया है कि कोविड से छुटकारा हमको ऑलमोस्ट मिल गया है, छोटा मोटा ये अभी चल रहा है उससे बच के भी रहना। एंड आपने ऑफलाइन मीटिंग ज्यादा करनी है ना, जितनी छोटी छोटी बेशक लोगों के एक देखो हमने पहले स्टार्ट किया है कि हमने होम मीटिंग स्टार्ट किया है। हर एक घर में एक ड्राइंग रूम में 15-20 लोग आ जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के आप पूरा अपना बताओ, अटोमी की छोटी छोटी डेमोज करो। अगर आप प्रोडक्ट की डेमोज करेंगे है ना, तो आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर आप डेमो नहीं करते, आपको करनी नहीं आती, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप मतलब थोड़ा सा स्लो आपका काम हो जाएगा। डेमो करो एंड आगे आगे लोगों को बताओ उसके बारे में। तो आप मतलब मेरा गवर्नमेंट का ऑफिस था है ना, तो जहां मैं उस, ये भी रिटायरमेंट के दिन का तो वो में मेरा नाम लिखा। सो मतलब ये पंजाबी में लिखा है, ये आपको समझ नहीं आएगी। सो तो आप इस तरह से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको अब स्किल करने की जरूरत नहीं है। वो टाइम था, वो हम सभी लोगों ने एंड इंडियन मैनेजमेंट ने एंड कोरियन मैनेजमेंट ने मिलके उसको एक बहुत बड़ा एक पौधा खड़ा कर दिया है। अब फ्रूट खाने का टाइम आ गया है, लेकिन आपने मेहनत करनी है ना। जितने भी सबसे पहले खुद यूजर बनो है ना, आपके घर में हमारे आप हमारे ग्रुप के आप अगर वीडियो देखोगे, वो अपने वॉशरूम दिखा रहे हैं, वहां हमारे कितने प्रोडक्ट पड़े हैं, उसके बाद किचन में लेके जाते हैं है ना, और घर में मतलब हम ए टू जेड सारे प्रोडक्ट मंगवा के सबसे पहले खुद यूज कर रहे हैं। खुद यूज करने के बाद फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप किसी को बता सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप जितने आपकी टीम के लोग हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अब हमारे इंडिया में लाखों लोग जुड़ गए हैं ना, अगर हम सभी लोग मिलके जिस दिन लॉन्चिंग होती है उस प्रोडक्ट की, एक एक पीस भी बाय करो तो लाखों पे एक दिन में सेल हो जाएंगे। लेकिन आपने अपनी टीम को इस तरीके से गाइड करना है कि जितने भी प्रोडक्ट नए लॉन्च हो रहे हैं एंड जितने प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में होने चाहिए, लोग आके देखेंगे। बहुत सारे लोग तो बहाने से पूछ लेते हैं, सर मैंने वॉशरूम जाना। वो वॉशरूम नहीं जाना होता, उसने आपके घर में वॉशरूम में जाके देखना होता है कि ये खुद भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या हमको ही रिकमेंड कर रहा है। सो प्लीज आप ये सारी चीजें करो एंड अटोमी की तरफ से देखो कितनी इंडिया की तरफ से कितनी आपको हेल्प की जा रही है। हर रोज चार बजे आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है ना। अब तो बहुत अच्छे ट्रेनर भी हमारे ऑफिस में आ गए हैं, जो फूड सप्लीमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज है उनको एंड दूसरे प्रोडक्टों की नॉलेज है। तो एक ये वाला प्रोग्राम पूरा आपने अटेंड करना है। दूसरा अटोमी का कभी भी कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम है उसको मिस नहीं करना, ठीक है। एक जुनून सा आपके में सवार हो जाए कि मैंने हर जगह पहुंचना है, हर बड़े प्रोग्राम में जाना है।
तो देखो फिर जब आप इतनी डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा करेगा। तो इतना कहता हुआ मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, एंड मैं विकास गौतम जी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। जितने पार्टिसिपेंट आज की मीटिंग में बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत उनका भी थैंक्स करता हूँ कि आज आपने मेरे को सुना, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया। मतलब इसी डेडिकेशन के साथ अगर आप भी काम करोगे तो ये डायमंड रैंक या और रैंक कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़े बड़े रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। और बड़े रैंक हमने क्वालिफाई करके दिखाने हैं, हमने अटोमी इंडिया को एंड साउथ कोरिया हेडक्वार्टर को ये करके दिखाना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेल में एंड बड़े बड़े रैंक्स में नंबर 1 पर होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।